हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें आपको मिलेंगे 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि पार्ट नंबर 7 है, जो सेट 3 चल रहा है, जिसकी 6 वीडियो मैं आपको पीछे दिखा चुका हूं। उसका ये 7वीं वीडियो यानी कि पार्ट 7 है, जो कि 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का है। तो दोस्तों, मैं शिवांग भारद्वाज स्वागत करता हूँ आपके अपनी इस वीडियो पर, जिसमें आज मैं 10 क्वेश्चन आपको बताऊँगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि पीछे बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज मैंने आपके लिए डाल रखी हैं और आगे भी बहुत सारी वीडियोज लेकर आता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 74 नंबर है, फसल का संपूर्ण शुष्क उत्पादन पद्धति कहलाता है। तो फसल का जो संपूर्ण शुष्क उत्पादन होता है या शुष्क उत्पादित पद्धति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो जो संपूर्ण शुष्क उत्पादित पद्धति होती है, उसे हम बायोलॉजिकल उपज बोलते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल उत्पादन भी हम इसे कह सकते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में उत्पादन नहीं हो रहा है। भारत में क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन का उत्पादन भारत में नहीं हो रहा है। इंसुलिन का उत्पादन जो है वो US में हो रहा है, चीन में हो रहा है और ब्राज़ील में हो रहा है। भारत में अभी तक इंसुलिन का उत्पादन स्टार्ट नहीं किया गया है। 76 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फसल मैंने एक तरफ लिख रखी है, 4 फसल लिख रखी हैं और दूसरी तरफ उनकी उपज प्रति हेक्टेयर लिख रखी है। तो नंबर 1 पे है गन्ना। गन्ना की जो उपज है वो 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। नंबर 2 आपका आलू है। आलू की जो उपज होती है वो 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। नंबर 3 है आपका धान। धान की जो उपज होती है वो 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। 4 नंबर पे है आपका बाजरा। बाजरे की जो उपज होती है वो 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। दोस्तों, ये बार बार पूछा गया है, इसीलिए ये मैंने यहाँ पे लिया है। गन्ना 800 क्विंटल पर हेक्टेयर, आलू 200 क्विंटल पर हेक्टेयर, धान 50 क्विंटल पर हेक्टेयर और बाजरा 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, सागौन पाया जाता है। सागौन वृक्ष जो है वो कहाँ और किस जगह पाया जाता है? तो सागौन विषुवत रेखीय उष्ण आद्र या सदाबहार तथा भूमध्य रेखीय वनों में पाया जाता है। तो सागौन जो है वो विषुवत रेखीय वन जो होते हैं, उष्ण आद्र या सदाबहार वन होते हैं और भूमध्य रेखीय जो वन होते हैं, इन जगहों पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, दूध का हिमांक होता है। दूध का जो हिमांक होता है वो -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड, -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड हिमांक इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, नाइट्राइटस यानी कि NO2 को नाइट्रेटस यानी NO3 में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? यानी कि जो नाइट्राइटस जिसे हम NO2 भी लिख सकते हैं और नाइट्रेटस जिसे हम NO3 भी लिखते हैं, इसको हम किसके नाइट्राइटस को नाइट्रेटस में किसके द्वारा हम परिवर्तित करेंगे? तो वो है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर के द्वारा हम NO2 को NO3 में परिवर्तित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। जो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र NRCA झांसी में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 1988 में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 81 है, मृदा में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो मृदा में जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 82 है, भूमि क्षमता वर्गीकरण में सूचक रंग। तो भूमि क्षमता के लिए जो वर्गीकरण के सूचक रंग है वो वर्ग 1 के लिए है हरा, वर्ग 2 के लिए है पीला, वर्ग 3 के लिए है लाल, वर्ग 4 के लिए है नीला, वर्ग 5 के लिए यहाँ पे अभी खाली जगह छोड़ रखी है, वर्ग 6 के लिए है नारंगी। तो ये भूमि क्षमता के वर्गीकरण के सूचक रंग
होते हैं। तो दोस्तों ये 82 नंबर क्वेश्चन तक के 10 क्वेश्चन हुए इस वीडियो में। आगे की वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा इस सीरीज का। नेक्स्ट चैप्टर अगली लास्ट वीडियो बची है जिसमें 15 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, तो वो सारी वीडियो ज़रूर देखिएगा, पुरानी भी वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रह सकें। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।